What about Kapil Roy? He was one of the top shapes, best shapes. Rahul को बोल दिया जाता है उसके arms बड़े हैं. What the hell? Narendra Yadav को बोला जाता है उसके legs नहीं है. उनको अरे यार आपने comparison देखा क्या comparison? Judge, चलो I agree. Judges की respect है. I respect the judges. I respect their decision. But जो coaches होते हैं, they also know something, right? उन्हें भी नजर आता है, लोगों को भी नजर आता है. अगर आपने अपने लड़कों को ही जिताना है तो यार एक ही तरह तामझाम क्यों कर रहे हो? Why are you doing this sham? Just call them, take money from them and give them the pro card or give them the title. यार ये क्यों मतलब why this freaking sham? तो ऐसे तीन चार हैं उनके पपलू चपलू हमारे वैसे हरियाणा में वर्डिंग यूज करते हैं उनके लिए ऐसे दल्ले बंदों से हमारी राम राम नहीं है तो ये जो वर्डिंग है ना ये इसीलिए यूज होती है तो कुछ ऐसे बंदे हैं मीडिया से मीडिया ही बोलते हैं उसे भी तो उसके लिए मीडिया है लेकिन अपनी गलतियां और जो उसके पीछे जो चोरी हो रही है जो है धोखेबाजी हो रही है इसके लिए मीडिया नहीं है मीडिया होनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए बुरे हैं तो बुरे बनो लेकिन आवाज़ उठाओ जो गलत हो रहा है तो जिस भी भाई की जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताना ठीक है और मुझे इस पर वीडियो बनानी थी मैंने इसलिए वीडियो बनाई तो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक बीडवाइस पर. आज हम आप ही से बात करेंगे कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है भारत प्रोसो को लेके. अभी अभी तरुण गिल भाई साहब ने भी पूरी पोल खोल दी अमित पंगाल के बाद. अमित पंगाल ने भी पूरा बताया कैसे क्या चलता है इनके पीछे. इनके आपस में ही लोग होते हैं जिनको जिताना होता है उनसे पैसे लेने. अरे ये सारा तामझाम क्यों किया ऐसे? अगर तुम पैसे लेके ही डायरेक्ट प्रो कार्ड दे दो ना अपने इंसानों को. ऐसा बोला है तरुण गिल भाई साहब ने पूरा एक्सपोज किया. कुलदीप भाई साहब के साथ दे रहे हैं अब लगता है ये कॉन्ट्रोवर्सी बहुत आगे जाने वाली है मुझे लगता है. आपको क्या लगता है इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में? जो भी है जो भी आप फटाफट कमेंट करके बताइए आप किसके साइड हैं. बट मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि यू नो वट इट्स नॉट गोना हैपन. जो इनकी हरकतें जो इनकी प्रैक्टिस हैं इट विल नेवर हैपन. तो ये आपको मैंने पहले ही बोला था बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा ये आपको एक सपना दिखा रहे हैं एक ऐसा सपना जो कभी सच हो ही नहीं सकता इंडिया में से. और इसकी बात बोली भी राहुल फिटनेस ने कि यार इंडिया में चाहते नहीं लोग कि आप इंडिया से कोई इंडिया का कोई क्वालिफाई करे विच इज़ करेक्ट. अब आपको समझ आ रही है बात है ना. आई एम वेरी हैप्पी कि एथलीट्स को बात अब समझ आ रही है. और ये सारी बातें जो है ना एक्सपोज हो गई थी जून में जब मैंने वीडियोज़ बनाए थे इसको. और अब आपको पता है जून में क्या हुआ कि बिलाल गॉट थर्ड राहुल गॉट सेकेंड. मुझे भूवन से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have no agenda, nothing against anyone. मैंने जैसे कहा मुझे प्रॉब्लम है प्रैक्टिसेस से. अब बिकॉज जून में ऐसा हुआ द आफ्टर इफेक्ट्स वर शोन इन नवंबर. अब नवंबर में उसका इफेक्ट आया. क्या इफेक्ट आया भाई? एथलीट जाग गए. तो इस कॉम्पिटिशन में मुश्किल से 120-30 लड़के होंगे. दे वर नो एथलीट्स कंपेयर टू 300, 350, 400 लड़के खेला करते थे कॉम्पिटिशन. सो दे वर नो एथलीट्स. इतने कॉम्पिटिशन में तो जो लोकल कंपटीशन होता ना इसमें लड़के ज़्यादा होते हैं लेकिन इस बारी शेरू क्लासिक IHF में नहीं थे. क्यों? ऑब्वियसली उनको पता लग गया था कि भाई क्या करें देने वाले तो है नहीं कुछ. और प्लस फीस जो थी 50,000 रजिस्ट्रेशन फी तक जा चुकी है यार. दिस इज इनसेन. 50,000 प्लस जैसे मैंने आपको बताया था मुंबई जाना रहना खाना पीना इट केम अप टू अबाउट 1.5 to 2 lakhs फॉर लॉट मेनी पीपल. जो मैं सही कह रहा था राइट? These numbers, they do a tally, they do add up. So, इसका नतीजा फिर क्या मिला? There were no exhibitors. भाई जो वहाँ पे booths लगते हैं, इस भाई 30% वो exhibitors भी नहीं थे. There were no takers because भीड़ तो थी नहीं ना. और देखने वाले there were no footfall. कोई देखने भी नहीं आया भाई. क्यों आएगा भाई जब आप ऐसी practices कर रहे हो? Because एक time पे ऐसा show होता था कि जब लोग people used to prepare for it. This time it was a flop show. Nobody came because of these practices. Or, क्यों? अरे क्यों हो रहा है? Why is this happening? एक ही reason है इसका, which is monopoly. शेरू अंग्रेज ये जितने भी लोग हैं, they don't want anyone else. ये कोई ऐसा show कराए. मैं कुलदीप भाई से बिल्कुल सहमत रखता हूँ और मैंने बात बोली भी थी जून में कि भाई आप exclusive right share कर दो ना किसी को भी दे दो. कुलदीप भाई को दे दो, किसी को भी दे दो. Let them have a competition, let them have a pro show, let them have a pro qualifier. फिर देखो कैसे इंडिया से बाहर इंडिया में जाएंगे ओलंपिया के लिए जाएंगे लोग क्वालिफाई करेंगे हर 4-3 महीने में करेंगे. बट दे विल नॉट डू दैट. और ये क्या करते हैं इनकी प्रैक्टिस क्या है? दे थ्रेटन एथलीट्स.
थ्रेटनिंग से मतलब जैसे राहुल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया 3 दिन पहले प्रो शो के। आप बताओ यार, आप किसी का एक शो हो रहा है, एक प्रो शो है, वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा होगा, कितना जोन्ड इन होगा, ब्लॉक कर लिया होगा सब कुछ फैमिली से हर जगह से, ही इज लाइक फोकस्ड, और अब उसका प्रो कार्ड कैंसिल कर देते हो, उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी होगी। ही मस्ट हैव बीन शैटर्ड, बट लकीली दे गेव इट टू हिम, ऑब्वियसली प्लीडिंग करी होगी, माफ़ी मंगवाई होगी कि भाई दे देते, ताकि दूसरे एथलीट को एक एग्जाम्पल सेट हो कि आप कहीं जाओ ना। ये बिग फिट क्लासिक में ये बिकॉज आपने राहुल को सस्पेंड करा बिकॉज ही वेंट टू बिग फिट क्लासिक, और बिग फिट क्लासिक किसका है, फिटलाइन एंड बिग मसल, और ये दोनों आपके शो पे बूथ लगाते हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है IFBB से, बिग फिट को, क्लासिक से, तो व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? एंड गेस व्हाट, बिग फिट में दे वर 20 लाख दिस गाय वन चैतन्य, क्या आप पैसा दे रहे हो? आर यू गिविंग एनी प्राइज मनी? और आप क्या कर रहे हो, थ्रेटन तो कर ही रहे हो, देयर इज नो प्राइज मनी। आप दूसरे शो पे भी मत जाओ, जो मतलब पीपल लाइक राहुल और जितने भी लोग हैं IFBB प्रोज, उनकी इनकम का सोर्स ही नहीं है, बिकॉज आप उन्हें रोक देते हो, नहीं नहीं आप तो सिर्फ हमारे शो पे आओगे। और हाँ, आपके NPC के शोज होते हैं, मैंने देखे NPC के शोज, यानी फेडरेशन का भी, वो प्राइज मनी कितना दे रहे थे, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 3,000 रुपये। व्हाट द फिश मैन, इट्स अ फ्रिगिंग जोक, या जोक। एक प्रेप पे कितना पैसा खर्च होता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, प्राइज मनी 3,000 दे रहे हो यार, 5,000 रुपये दे रहे हो, कम ऑन यार, 1,00,000 रुपये दे दिया होगा, बट क्या होगा उससे यार, क्या दे रहे हो आप $2,000 से $3,000 प्रो शो के विनर को, बताओ यार, इट्स लाइक 1.5 लाख्स, क्या होगा उससे? इट्स विल एग्जैक्टली लाइक दिस जो भी हो रहा है यार, वी विल नॉट हैव एनीबडी गो टू ओलंपिया। आपकी बैड प्रैक्टिसेस है, आपकी इन्हीं प्रैक्टिस की वजह से इट वॉज अ फ्लॉप शो, आपकी इन्हीं ही प्रैक्टिस की वजह से पीपल लाइक कुलदीप आर वेकिंग अप, एथलीट्स आर वेकिंग अप, कोचेज आर वेकिंग अप, एंड कुलदीप इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज। अभी आपकी वजह से मैं बोल रहे हैं कि मैं कोचिंग नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो जितनी मर्जी कोचिंग करा लें, आपने तो जीतने नहीं देना ना, आप तो कहोगे कि भाई। और हाँ, बाय द वे, उनसे याद आया मुझे, देयर वॉज नो मीडिया। भाई ये किसका स्ट्रैटेजी थी टू नॉट हैव मीडिया, इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू इन अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। क्यों? मैं ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कवर करने जाता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा जाता था, अब थोड़ा सा कम जाता हूँ। अब एक एथलीट को क्या चाहिए होता है, प्रमोशन, विजिबिलिटी, कि ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर हो, उसकी विनिंग मोमेंट्स कैप्चर हो, लोग डालें। और इस बार क्या हुआ, एक प्रो क्वालिफायर में देर आर नो वीडियोज, देर आर नो पिक्चर्स, और जिनके भी फॉलोअर्स बेचारे उनके होते हैं, जिनसे उनकी कोचिंग में हेल्प मिलती है बाद में, ऑब्वियसली देयर वाज नो इंक्रीज, किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इन्होंने मीडिया कवरेज करनी दी, बिकॉज जैसे जून में हुआ था, इस बारी भी हो जाता, और वो हुआ एक्सपोजर। देखो एक्सपोज्ड, देखो एक्सपोज, कपिल लोहिया, आई एम प्रीटी मच एग्री विद कुलदीप भाई, क्यों? यही प्रॉब्लम है मुझे, दीज बैड प्रैक्टिसेस, दे मस्ट कम टू अ हॉल्ट। और क्यों, कैसे होंगी ये, नो मोर एक्सक्लूसिविटी, या तो हम IHFF शुरू क्लासिक बॉयकॉट करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जीतने तो देने नहीं किसी को, या एक्सक्लूसिव राइट शेयर कर दो ना, आई वॉन्ट यू टू गिव दोज एक्सक्लूसिव राइट्स टू कुलदीप, आप कुलदीप भाई को दे दो ना। और उन्हें कहा भी है, वो 5XL न्यूट्रिशन को जैसे कहते हैं ना, वो इतना बड़ा एक्सपो बना दें, चलो मैं कहता हूँ एक्सपो भी मत बनाओ, लेट देम हैव अ प्रो क्वालिफायर, उन्हें 5 प्रो कार्ड बांटने दो, देखो फिर हर साल, मैं गारंटी यू, जैसे मैंने बोला भी था जून में भी कि भाई इंडिया से ना मिनिमम 2 से 3 लोग साल में क्वालिफाई करेंगे ओलंपिया के लिए। हाँ वो बात अलग है, ओलंपिया में जो भी हो, लेकिन एक रास्ता तो खुल जाएगा यार, बट यू नॉट लेटिंग दैट हैपन। वाई? अपने एक्सक्लूसिव राइट छोड़ो, बिकॉज आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई हैं, इट इज अफेक्टिंग द एथलीट्स मोरल, बेचारे डीमोटिवेटेड हो गए। राहुल 2 दिन बेचारा वाज डिसअपॉइंटेड, क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे आर्म्स बढ़े, मेरा ये डिसएडवांटेज है। वाई ये कर रहे हो आप? व्हाट इज दिस सर, प्लीज इट्स टाइम वी चेंज। वैसे सही भी है, कुलदीप भाई, तरुण गुल भाई साहब, अमित पंगा एथलीट के लिए डर रहे होंगे, हाथ के लिए डर रहे हैं, अगर वो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं तो उनको भी अपना प्रो कार्ड चाहिए, उनको भी क्या क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना यार। सही है, वो अपने ही बंदों को जिताएंगे तो फिर क्यों आएंगे लड़के वहाँ कॉम्पीट करने। तो आप जो भी राय है, आप सबके जो भी बॉडी बिल्डिंग से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आ रहा हूँ काम धंधों के चक्कर में, क्योंकि मैं तो रियलिटी जान चुका हूँ जो सच्चाई ना बॉडी बिल्डिंग की, और ये सारे जो स्कैम हो रहे हैं इनकी सच्चाई तो जब सामने आ जाती तो इंसान सोचता है पैसा ही कमा ले, अच्छा तो ठीक है। पूरी बातें बताऊँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरे भाई अगर समझेंगे तो ठीक है।
मतलब पहले भी कहा था और आज भी, जब मैंने अपने जो जो नरेंद्र भाई जिनके पास कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने भाई हैं, भाई का नाम था, क्या नाम था भाई का यार, मैंने सुबह ही भाई की स्टोरी लगाई कि मुझे अच्छी लगी उनकी बातें, कुलदीप भाई, हाँ कुलदीप यादव, आपने देखा होगा, तो वो कोच है और भाई सलूट है, चेयर छोड़ के सलूट मारता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों, कि चलो कोई तो ऐसे कोच है, कोई तो ऐसे कोच है जो अपने स्टूडेंट के लिए खड़े हुए बोले, और सबसे बुरा लग रहा है कि भाई ने कोचिंग करानी छोड़ दी, इस चीज़ में बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ने सोशल मीडिया पे आके कहा कि मैं आज से कोचिंग नहीं कराऊंगा, और काफ़ी सारे उनके एथलीट खेले थे प्रो शो, ये भारत प्रो शो, अपने रोक भाई हैं वो खेले थे, राहुल फिटनेस वाले भाई हैं वो खेले थे, और एक अपने भाई हैं अंतिल, अंतिल जानते होंगे आप, उनकी वीडियो मैंने उनकी मैं देखी थी, वो खेले थे, नरेंद्र भाई खेले थे, तो काफ़ी सारे भाई खेले थे, तो उनको बुरा फील हुआ एज अ कोच, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे ना दिल से बहुत अच्छा लगा कि कोई कोच बोला, चलो ये तो एक अलग बात है, पहले मैं थोड़ी ना बातें मिला रहा हूँ क्योंकि बातें ऐसे हुई थी, फिर ऐसे हो गई थी, पूरी बातें समझाता हूँ। तो राहुल फिटनेस भाई का मैसेज आया था, क्यों आया था, मैंने पिछली बार एक कहा था कि ऐसे चीटिंग हुई, तो राहुल फिटनेस भाई का वहाँ से मैसेज आया कि थैंक यू भाई स्पोर्ट फॉर अनकंडीशनल लव, तो मैं स्क्रीन शॉट लगा दूँ, कहीं हो सकते भाई ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जो प्लेयर होता है ना, एथलीट होता है, वो बोलता नहीं है, उसके दिल में बहुत सारे मलाल होते हैं, वो बहुत दुख दर्द का खेल है बॉडी बिल्डिंग, बहुत संघर्ष है उसमें, बहुत तकलीफें हैं उसमें, और एंड ऑफ द डे मिलता कुछ नहीं है, शरीर की बर्बादी है, ये जो वर्डिंग है सच्ची है सारी, किसी को बुरी लगती है मेरी बात है, लेकिन ये सच है, अपने शरीर को 100% रिस्क पर रखना, किसी भी टाइम मौत हो सकती है, किसी भी टाइम जो इंसान कॉम्पिटिशन खेलता है, ठीक है। दूसरी बात, इतनी सारी मेहनतें करने के बाद वो इंसान जब रोता है ना स्टेज के पीछे, चाहे वो स्टेज के पीछे ना रोए, लेकिन जब घर में बंद कमरे के अंदर रोता है ना, तो उसकी आत्मा जानती है उस पर क्या बीतता है, क्योंकि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है उनको तो रात को पैग लगते हैं, तेरी कितने पैसे कमाए उनका तो कोई दम वम होते ना, उनके इमोशंस होते, तो एथलीटों के साथ होता है ये। अब दूसरी बात, जो राहुल फिटनेस भाई वाली बात थी, तो वो अब खेले फिर दोबारा, कि उन जब सेकंड प्लेस थी उनकी, तो अब खेले कि यार अच्छे प्लेस आएंगे, और इसके बीच में जो अभी खेले हैं ना ये लेटेस्ट 2-3 दिन पहले, उससे 15-20 दिन पहले वो चले गए फिट क्लासिक के शो में। मैं बताता हूँ मतलब प्लेयर के साथ कितनी जिल्लत फील करवाते हैं, एक एथलीट को इतना जिल्लत फील, इतनी जिल्लत दे देते हैं कि उसे भार ही लगता है सब कुछ, तो वहाँ चले गए क्योंकि वो एक तो अपने इसके एथलीट हैं, क्या नाम है, फिटलाइन के, तो उनको बुला लिया मंच पे, उन्होंने प्राइज दिए, एक दो फोटो खींची, तो उसके लिए इनका जो IFBB प्रो इनके पास जो कार्ड है वो कैंसिल कर दिया, तो इनने उसके लिए सॉरी मांगी या रिक्वेस्ट करी, उनसे कहा, फिर उनने अपना बड़प्पन दिखाया, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो, फिर उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, फिर वो कैंसिल किया, फिर इन्हें समझाया कि प्रो एथलीट कहीं नहीं जाएगा, प्रो एथलीट कुछ नहीं कमाएगा, प्रो एथलीट सिर्फ यहीं घिसाई करवाएगा सिर्फ, और यहाँ घिसाई करवाने के बाद रिजल्ट जो हम देंगे वो तुम्हें लेना होगा और चुपचाप लेना होगा, जैसे अंग्रेजी नहीं होते थे पहले, हिंदुस्तान में रहना है और तुमसे ही गुलामी करवानी है और तुम्हें जूते के नीचे रखना है, तो वही सेम है, बस समझने की बात है, वही सब बातें हैं, वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान का गाना चल जाता है एक दो इमोशनल करने के लिए, चीजें वही है सारी, तो खत्म हो गई, अपने काम धंधे खड़े करो, दूसरा अपनी बॉडी वॉडी पे ध्यान दो और मस्त रहो, ये चीटिंग इस भारत में खत्म नहीं हो सकती, और बात जैसे कि साहिल खान भाई ने एक बार वो दिया था इंटरव्यू,